हल्द्वानी में सड़क किनारे ठेल खमोचों और दुकान पर बेखौफ होकर अवैध शराब परोसती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक ढाबे में सिटी मजिस्ट्रेट ने देशी शराब के 48 पाव जब्त किए हैं। वहीं इसके अलावा दो घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसी ढाबे पर पहले भी 3 बार अवैध शराब बेचते हुए पकड़ी जा चुकी है, लेकिन आबकारी और पुलिस से मिली भगत के चलते ढाबा संचालक बेकौफ देशी शराब बेच रहा था। अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि ढाबा संचालक ने गले के बॉक्स में छेद करके शराब का जखीरा छुपाया हुआ था। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लेकिन फिर भी लोगों का जिस तरीके से लोग छुपा कर इस तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, उस पर ज्यादा इस तरीके से कड़ी कार्रवाई होगी, तो इन पर अंकुश लगेगा।